हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कटोरी वैक्स की। कटोरी वैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी चीनी। जितनी हम चीनी लेंगे उतनी ही हमारी वैक्स बनकर रेडी होगी। और 3 से 4 टेबलस्पून हम पानी लेंगे। और 2 ये हमने नींबू लिए हैं, इनका हम रस निकाल लेंगे। ये हमने नींबू का रस निकाल कर रेडी कर लिया है। अब एक सॉस पैन लेंगे और उसमें चीनी डाल देंगे। ये नींबू का रस भी डाल देंगे और ये 3 से 4 टेबलस्पून जो हमने पानी लिया था वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे और इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, इसके आसपास ही रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है और कैरामल बन जाता है। इसलिए बहुत केयरफुली इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहना है। थोड़ी देर बाद देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आने लगा है। हमें इसे इसी तरह से बॉयल होने देना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं वैक्स को पकते हुए। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और ये थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी भी होने लगी है। अब हम वैक्स को चेक कर लेंगे ये रेडी है या नहीं। अब एक चम्मच में थोड़ी सी वैक्स लेंगे और एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें ये वैक्स डाल देंगे और इस तरह हाथ से वैक्स को इकट्ठा करेंगे। अगर वैक्स इस तरह से इकट्ठी हो जाती है, जेली जैसी बन जाती है, तो इससे पता चलता है कि वैक्स बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए एकदम जेली की तरह दिख रही है, तो वैक्स बनकर रेडी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक कटोरी में डालकर छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है, लेकिन बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। हमारी कटोरी वैक्स हल्की हल्की सी ठंडी हो गई है, अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। अब हम इसको यूज़ करने के लिए कोई फ्लैट सा चम्मच ले सकते हैं, या अगर आपके पास ये ब्रेड पर जैम लगाने वाला नाइफ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी मोटे कपड़े की स्ट्रिप्स चाहिए वैक्स करने के लिए। कोई पुरानी जीन्स हो उसे काट कर यूज़ कर सकते हैं। हमने भी ये पुरानी यूजलेस जीन्स को काट कर ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई हैं। वैक्सिंग शुरू करने से पहले आप हेयर की डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए। हेयर की डायरेक्शन जैसी है वैसी ही आपको वैक्स लगानी है। उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है और वैक्स एकदम पतली पतली लगानी है। और वैक्स लगाने के बाद इस पर एक स्ट्रिप रखेंगे और स्ट्रिप को बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हेयर से उल्टी डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और स्ट्रिप को एकदम टाइट हाथ से खींचना है, हल्के हाथ से नहीं। ये देखिए सारे हेयर स्ट्रिप पर आ गए हैं। इसी तरह से पूरे हाथ की वैक्सिंग कर लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हेयर से अपोजिट साइड में स्ट्रिप को खींचना है और हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। इससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और स्ट्रिप को हल्के हाथ से नहीं हटाना है, बल्कि तेजी से खींचना है ताकि पेन ना हो। ये देखिए पूरे हाथ की वैक्स हो गई है। अब इसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हाथ पर आइस लगाएंगे ताकि रैशेस वगैरह ना हो, क्योंकि हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कभी कभी रैशेस आ जाते हैं। इसलिए हाथ पर अच्छी तरह से आइस लगा दीजिए। और अगर आपके पास ये एलोवेरा जेल है तो ये भी लगा सकते हैं। अब इस वैक्स में से ये नाइफ हटा देंगे। और आप इस वैक्स को स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा गर्म करके यूज़ कीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।